केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे रविवार को जिले के आथर गांव में थे। वहां वह किसानों को जागरूक करने वाले एक कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने बिहार की सरकार को जल्लाद कहा। वहीं राधाचरण शाह के यहां छापेमारी मामले में भी उन्होंने यह कहा कि उन्हें जेल होनी चाहिए और फांसी भी चढ़ जाना चाहिए। सुनिए उन्होंने क्या कहा। उनको तो बक्सर जेल आना ही पड़ेगा और यहाँ मोटका रस्सी जो है उससे फांसी लगाना ही पड़ेगा। ठीक है बाबा, धन्यवाद। क्या कह सकते हैं, ये सरकार के रूप में जो जनता का कल्याण करे वही सरकार होता है, लेकिन जो जन कल्याण के लिए जो जनता को मारने का काम करे उसको क्या बोलते हैं? बोलो क्या बोलते हैं आप लोग बताइए। जल्लाद है ये बिहार सरकार, जल्लाद के रूप में खड़ी हुई है। आपने कहा ना जल्लाद है बिहार सरकार, क्या है? जल्लाद है जो ऑक्सीजन के बिना लोग दम तोड़ रहे हैं। देखो जो भी माफियागिरी करेगा उस पर तो शिकंजा हमारी सरकार की पड़ेगी, भले वो कहे कि गलत हो रहा है, लेकिन जो लोग गड़बड़ किए वो गड़बड़ करने वालों की खैर नहीं, उनको तो बक्सर जेल आना ही पड़ेगा और यहाँ मोटका रस्सी जो है उससे फांसी लगाना ही पड़ेगा। ठीक है बाबा, धन्यवाद।